जुपिटर एज वेल एज एक्सिस दोनों पे ही मैं माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ। तो ये गाड़ी आपको यहाँ पर आपको USB चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड करा है, हालांकि इसकी चार्जिंग काफ़ी स्लो है, बट आपका इमरजेंसी में काम तो हो ही जाएगा। अगर आप एक पावरफुल स्कूटर चाह रहे हो तो इंडियन मार्केट में सबसे प्यारा ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है, वो है एंटॉर्क 125। जुपिटर में जो आपको बूट स्पेस है ना 33 लीटर की मिलती है, जिसमें आपके दो हाफ फेस हेलमेट आ सकते हैं, अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, बट इसमें आपको सिर्फ साथ ही में इसका एक नेगेटिव ये है कि यार फ्यूल लीट आपको। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली टुडे वी हैव ऑल न्यू 2024 सुजुकी एक्सिस 125। प्रॉपर आज इसको राइड करके देखने वाले हैं, और राइवल्स जितने भी है ना 125cc के सेगमेंट में आते हैं। अगर एक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो नए साल में, कंफ्यूज्ड हो कि यार एक्सिस लेना चाहिए, जुपिटर 125 लेना चाहिए, बर्गमैन, एवनिस, एक्टिवा 125, इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, तो अगर एक्सिस को एक ऑप्शन रखा है तो आज की राइड वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं इसकी राइड। फाइनली चलते हैं इसको लेकर राइड पर। सबसे पहले तो आपको मैं लुक्स चेकआउट करा देता हूँ। टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट हम राइड कर रहे हैं, राइड कनेक्ट एडिशन। फुल LED सेटअप देखने को मिल जाता है, यहाँ पर DRLs मिल जाती है, टर्न सिग्नल्स आपके हेलोजन रहने वाले हैं। और व्हाइट कलर में कितनी सिंपल एंड सोवर लग रही है आप चेकआउट करो। रियर से आप इसके लुक्स चेकआउट कर सकते हो। चलते हैं इसको राइड पर लेकर। डिजिटल क्लस्टर मिलता है, ओनर ने थोड़े यहाँ पर मॉड करा के रखे हैं, बैटमैन बनवाए कि क्या पता नहीं, तो इस चीज़ को इग्नोर करना। साथ ही में इसमें आपको वन बटन स्टार्ट मिलता है, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ ये हो गई है स्कूटर स्टार्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल काफ़ी फ्री फील हो रही है मुझे स्कूटर, बट आप ये जो वीडियो एंड तक देखोगे ना गाइस, नॉर्मल रिव्यू नहीं रहने वाला है। जितने राइवल्स इस सेगमेंट में आते हैं ना, आज की वीडियो में हम सबसे कंपेयर करने वाले हैं। अभी हाईवे पर हम थोड़ी इसकी टॉप स्पीड भी चेक करेंगे, तो काफ़ी डिटेल्ड राइड वीडियो रहने वाली है। अब आपको एक्सिस 125 में बहुत सारी वेरियंट चॉइसेस देखने को मिल जाती है। एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट फ्रॉम 80,000 रुपीज ड्रम वेरियंट, एंड ये जो टॉप वेरियंट है डिस्क विद राइड कनेक्ट एडिशन, ये आपको मिलने वाला है 91,000 रुपीज एक्स शोरूम। और ऑन रोड स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, 1,15,000 से 20,000 रुपए की प्राइस में आप ऑन रोड ले सकते हो। अब सबसे पहले बात करें ना इस गाड़ी के इंजन स्पेक्स की, तो इसमें आपको 124cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 8.7 PS की पावर एंड 10 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसके राइवल से कंपेयर करें ना, तो ये गाड़ी किससे कम्पीट होती है? जुपिटर, एवनिस, बर्गमैन, एंटॉर्क 125, एक्टिवा 125, बट इसका सबसे तगड़ा राइवल बन जाता है जुपिटर 125। अब जुपिटर 125 हालांकि थोड़ी सी हाई प्राइस है एज कम्पेयर टू एक्सिस, बट उसमें आपको पावर कम ही मिलती है, अराउंड 8.15 PS की पावर मिलती है, इसमें 8.7 PS की पावर है, बट उस गाड़ी में टॉर्क ज़्यादा आपको मिलता है, वो मिलता है 10.5 Nm का, इसमें है 10 Nm का। एक्टिवा 125 की बात करें तो 8.3 PS की पावर, 10.4 या 5 Nm का टॉर्क मिलता है। तो ओवरऑल सब गाड़ियों को चलाने में एक जैसा ही लगेगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इस गाड़ी का सबसे बड़ा एडवांटेज आ जाता है वेट। सिर्फ 103 kg की है, तो मुझे इसे मनूवर करने में कुछ पता ही नहीं लग रहा। ये स्कूटर मुझे बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रही है, तो स्पेशली आपके घर में अगर फीमेल्स है, आप आपकी वाइफ के लिए, सिस्टर के लिए, छोटे भाई बहन के लिए लेना चाहते हो गाड़ी, कोचिंग जाने के लिए, सिटी में जाने के लिए, तो बहुत बढ़िया चॉइस रहने वाली है, बिकॉज आपको ये बहुत ही लाइट वेट है। इस गाड़ी में मेटल का बहुत कम यूज़ करा गया है, सिर्फ फ्रंट का जो मडगार्ड और एक पैनल है वो मेटल है, बाकी सब आपको फाइबर मिलता है, जो इस गाड़ी का वेट बना देते हैं 103 kg, लाइटेस्ट इन सेगमेंट। अब इसके जो राइवल्स है, जुपिटर 125 का वेट है अराउंड 108 kg, 5 kg वो भारी है। साथ ही में आप जितनी इसकी राइवल्स देखोगे, एक्टिवा देख लो, एंटॉर देख लो, बर्गमैन देख लो, सब इससे भारी है। बट जहाँ इसके राइवल की बात आती है ना, बर्गमैन और एवनिस, वो इसी की फैमिली से है, तो राइवल तो नहीं बोलेंगे बिकॉज सेम इंजन आपको मिलता है। बट वो गाड़ी भी किन के लिए रहने वाली है वो मैं आपको भी बताऊंगा। बट सबसे पहले यहाँ पर अभी मेन रोड आ गया है, थोड़ा सा इसका इनिशियल चेक करते हैं, देन सारी बातें करने वाले हैं, माइलेज, कम्फर्ट, ब्रेकिंग। सबसे पहले यहाँ से गाड़ी को लॉन्च करते हैं, लेता हूँ मैं टर्न। देखो पावर डिलीवरी तो लीनियर ही है एज कम्पेयर टू 125cc, बट मुझे वाइब्रेशन कुछ भी फील नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। अभी देखो मुझे फुट पैक्स पे, हैंडल बार पे कुछ भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे हैं। 80 की स्पीड मैंने यहाँ पर गेन कर ली है, काफ़ी कंफर्टेबल है। अब अभी 90 की स्पीड पे इसके ब्रेक भी टेस्ट करने वाले हैं हम, 89, ये 90 चले गए, बढ़िया ब्रेकिंग है यार। एक तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ना, तो गाड़ी आगे की ओर जाती है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टेबल ये लगने वाली है, बिकॉज टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में जब भी आप इसे ब्रेकिंग करते हो ना, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको फील होने वाला है। साथ ही में उसके अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। 773 mm की सीट हाइट मिल जाती है एज कम्पेयर टू जुपिटर 125, थोड़ी सी ये गाड़ी ऊँची है, उसमें 765 mm की हाइट मिलती है, बट जैसा कि मैंने आपको एडवांटेज बताया वेट का, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट प्ले करने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात आती है, 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इंडियन
रोड्स के लिए टोटली सफिशियंट है। अब बेसिक वेरिएंट्स और इस वेरिएंट में क्या डिफरेंस रहने वाला है, बेसिक वेरिएंट्स में आपको DRL नहीं मिलते, बेसिक सी हेलोजन लाइट मिलती है, इसमें आपको DRLs मिल जाते हैं, फुल LED सेटअप मिलता है, साथ ही में फुल्ली डिजिटल क्लस्टर आपको मिल जाता है। जो आप बेसिक वेरिएंट में देखोगे तो आपको एनालॉग मिलने वाला है। इसमें आप सुजुकी राइड कनेक्ट ऐप जो है आप एंड्रॉयड या आईफोन में डाउनलोड कर सकते हो, तो उससे आप इजीली यहाँ पर नेविगेशन, कॉल अलर्ट जैसे फीचर्स देख सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कोई 125cc की स्कूटर लेने का प्लान कर रहा है तो यार हमें माइलेज चाहिए, अप डाउन के पर्पज़ से लेना चाह रहे हैं, सिटी में घूमना चाह रहे हैं, तो गाइज देखो मैं आपको बताना चाहूँगा 45 तक का माइलेज ये गाड़ी आपको सिटी में आराम से निकाल कर देने वाली है। और हाईवे पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जुपिटर एज वेल एज एक्सिस दोनों पे ही मैं माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ, तो ये गाड़ी आपको 55 तक का माइलेज आराम से देने वाली है, कोई भी इशू नहीं आने वाला है, 50 से 55 तक का माइलेज आराम से दे देती है। 104 की इसकी अराउंड टॉप स्पीड है, तो 104 तक भी आप इसको ईजिली क्रूज कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पर आपको USB चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड करा है, हालांकि इसकी चार्जिंग काफ़ी स्लो है, बट आपका इमरजेंसी में काम तो हो ही जाएगा, लाइक आपको कहीं नेविगेशन यूज़ करना है, कहीं अप डाउन करना है, आप बैटरी डेड हो रही है, तो एज अ बैकअप ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड करा है। सस्पेंशन भी इसके काफ़ी कंफर्टेबल है, बट कहीं ना कहीं आपको हाई स्पीड पर कभी कभी, ये देखो आज है रंग पंचमी और मैं इसलिए रंग पंचमी के दिन बाहर नहीं निकलता हूँ, यहाँ पर देखो बहुत खतरनाक ही पीछे झगड़े हो गए थे, हालांकि मैं भी भूलिया पे क्या बात कर रहा था। वैसे तो देखो चलाने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस स्कूटर को। अभी वर्डिक की ओर भी बढ़ेंगे कि यार ये गाड़ी किन्हें लेना चाहिए किन्हें नहीं। अब देखो पर्पज़ की बात करें तो सबके अपने पर्पज़ है, अगर आप एक पावरफुल स्कूटर चाह रहे हो तो इंडियन मार्केट में एक सबसे प्यारा ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है, जो आपको स्पोर्टी लुक्स भी देता है और पावर भी देती है, वो है एंटॉर्क 125। उसमें आपको रेस एडिशन भी मिलता है और रेस XP एडिशन भी मिल जाता है, तो अगर एक पावरफुल गाड़ी चाह रहे हो तो वन एंड ओनली चॉइस आपके पास रहने वाली है एंटॉर्क 125। अब डेली कम्यूटर स्कूटर में जिसमें आपको डिसेंट पावर चाहिए और अच्छा खासा माइलेज चाहिए, तो दो ही तगड़े ऑप्शन है इंडियन मार्केट में, वो है एक्सिस और जुपिटर। बट आपको जुपिटर में क्या बेनिफिट है ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जुपिटर में जो आपको बूट स्पेस है ना 33 लीटर की मिलती है, जिसमें आपके दो हाफ फेस हेलमेट आ सकते हैं, अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, बट इसमें आपको सिर्फ 21 से 22 लीटर की मिलती है। साथ ही में इसका एक नेगेटिव ये है कि यार फ्यूल लिट आपको पीछे दे दी है, बट एक तो यहाँ से आप एक्सिस भी नहीं कर सकते एक्सिस में, साथ ही में पीछे जाके खोलना पड़ती है की इंसर्ट करके, और की को भी इंसर्ट करके ओपन करते हैं तो डायरेक्टली बाहर आ जाता है, तो ये एक नेगेटिव लगता है। अब जुपिटर में आप यहीं से बूट भी ओपन कर सकते हो, फ्रंट में फ्यूल लिट मिल जाती है, तो ये कुछ एडवांटेज है। बट हालांकि सुजुकी का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है एक्सिस 125, तो लॉन्ग टर्म में अगर आप एक स्कूटर देख रहे हो जो आपको लो मेंटेनेंस रहे, इन फ्यूचर रीसेलिंग भी अच्छी दे दे, रिफाइंड रहे, अच्छे खासे वेरियंट्स दे दे, लाइट वेट रहे, साथ ही में कम प्राइस पॉइंट पर मिल जाए, तो वन एंड ओनली एक्सिस 125 आपके लिए चॉइस रहने वाली है। वैसे तो आपको माइलेज से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा, साथ ही में इसके हैंडल बार एंड लीवर में गैप देख सकते हो आप कितनी कम है, तो जिनके हाथ छोटे हैं वो भी इस गाड़ी को ईजिली चला पाएंगे। साथ ही में ओवरऑल लाइट वेट के कारण मुझे मज़ा काफ़ी आ रहा है चलाने में, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लैट फुटबोर्ड मिल जाता है, पैर रखने में कोई भी इशू नहीं है, अगर कुछ घर पर सामान लाना चाह रहे हो इस पर तो भी इशू नहीं आने वाला है। तो ओवरऑल गाइज अकॉर्डिंग टू मी ये स्कूटर एक बहुत बढ़िया चॉइस रहने वाली है। ओवरऑल सारे स्पेक्स मैंने आपको शेयर करने की कोशिश करी गाइज, वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।